अब सबसे पहले इस खबर की बात करेंगे संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन को रिप्लेस कर दिया गया है, केएल राहुल की रिप्लेसमेंट बुला ली गई है। 5 मैचों की T20 सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ, जो कि वेस्टइंडीज में भी होगी और कुछ मैचेस यूएसए में भी खेले जाएंगे। तो संजू सैमसन के लिए एक और मौका दिया गया संजू सैमसन को, क्योंकि जो 3 वनडे मैचेस हुए थे सर उसमें भी संजू सैमसन को मौका दिया गया था। दूसरे वनडे में उन्होंने 54 रन की पारी खेली थी, पहले में 12, और तीसरे वनडे में 6 नॉट आउट, जो कि भारत ने, जो कि वो डकवर्थ लुईस मेथड से 35 ओवर का मुकाबला हो गया था। लेकिन वैसे भी संजू सैमसन अब स्कीम ऑफ थिंग्स में थे नहीं वैसे भी T20 वर्ल्ड कप तक के, तो अब अच्छा मौका है उनके पास। अच्छा मौका है या फिलर है अब ये पता चलेगा अगर उनको इस सीरीज में खिलाते हैं। अगर खिलाते ही नहीं है तो ये मानकर चलिए वो एक फिलर का काम कर रहे हैं। अगर उनको खिलाते हैं तो उस चीज का इनाम दे रहे हैं वो, जो आपने बताया 54 रन की पारी, 51 गेंदों पर उन्होंने पूरी की थी, और उसके अलावा 77 रन की पारी अभी पीछे ही उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बनाई, और एक पारी और थी कोई 34-35 रन की कोई वेस्टइंडीज के अगेंस्ट, वो भी उनकी ठीक ठाक पारी थी, अच्छी पारी थी। सूझबूझ जो होती है उनकी पारी में, टेक्निकली साउंड प्लेयर लगते हैं मुझे ईशान किशन या अन्य जो हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उनकी तुलना में, और लेट खेलते हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छी बात यह है कि सिलेक्टर्स जो हैं अब अच्छी सूझबूझ का परिचय देने लगे हैं, कि आप सिर्फ एक या दो पारियां नहीं देख रहे, अब आप ये देख रहे हैं कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत है, या जो लंबी रेस का घोड़ा है, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना उस पर दाव लगाया जाता है, और वही कुछ मुझे लग रहा है एक विकल्प अभी खुले रखे और इसका दूसरों पर ना जो बाकी और खिलाड़ी हैं उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है। जी, साथ में लंबी रेस के घोड़े से एक और मतलब भी है, एक ये मैंने सोचा है, आप कहें अगर उन्होंने सोचा होगा मैनेजमेंट ने, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबी जो है संजू सैमसन वो देर से खेलने की, बॉल को लेट खेलते हैं बहुत, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा वनडे था 54 रन वो तभी बना पाए लेट खेलने की वजह से। और कई बार हमने आईपीएल में भी देखा बहुत आसानी से वो छक्के चौके लगा देते हैं इनसाइड आउट, इसी वजह से मुझे लगता है T20 क्रिकेट में उनकी ज्यादा भूमिका रहेगी, इसी वजह से उनको इसे कहते हैं पेशेंस और आक्रामकता का मिला जुला संगम, मिक्सचर। क्योंकि आप बहुत लेट खेलते हैं इसका मतलब अपने धैर्य का बहुत अच्छा परिचय देते हैं, अपने टेम्परामेंट का बहुत अच्छा परिचय देते हैं, और आप जो है जहां ताबड़तोड़ शॉट लगाने की बारी आती है, स्टेप आउट करने की बारी आती है, सामने खेलने की बारी आती है, जब उठाकर बॉलर के सिर के ऊपर से खेलते हैं तो वाकई समा बांध देते हैं, और इसकी ज़रूरत है। टेक्निकली ये प्लेयर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, रन ईशान किशन भी खूब बनाते हैं, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं पीछे, उनकी मैं क्षमताओं पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन टेक्निकल जब बात आएगी तो ईशान किशन पर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं संजू सैमसन पर। लेकिन अब बड़ी चीज ये होगी कि उनको मौका मिलेगा तभी, क्योंकि ओपनिंग में तो मुझे कहीं नहीं लग रहा मौका दिया जाएगा, ईशान किशन है ओपनिंग में। तो देखो जी, ईशान किशन का तो आपने जिक्र किया ही जी, मैं तो कहूंगा कि क्या बुराई है ऋषभ पंत से ओपनिंग कराने में, वो प्लान बी नहीं बल्कि प्लान ए का हिस्सा होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ईशान किशन से की जगह वो भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प आप खुले रख सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी पिछला मैच खेलते हैं वहां भी सेंचुरी बनाते हैं, टेस्ट में वनडे में खेलते हैं वहां भी सेंचुरी बनाते हैं, तो इस पर चर्चा हम करेंगे अलग से वीडियो में। लेकिन मैं वही कहूंगा कि ये खिलाड़ी जो है संजू सैमसन में जो खूबियां हैं वो वाकई कई खिलाड़ियों में नहीं है, तो शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे या नहीं होंगे ये पता चलेगा इस सीरीज में। अगर उनको टीम में रखा जाता है, प्लेइंग 11 नहीं दी जाती, तो आप मानिए कि उनको फिलर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उनको खिलाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो 5 मुकाबले हैं ना, ये T20 वर्ल्ड कप के टिकट को जारी करने वाले वो हैं ये। हाँ जी, इसी से तय हो जाएगा कि कौन खेलेगा, T20 कौन बाहर होगा। जी, T20 वर्ल्ड कप का ट्रायल है ये, ट्रायल एक तरीके से। लेकिन एक और चीज सामने ये आ रही है कि अगर आपने केएल राहुल अगर अवेलेबल होते, मान लीजिए सर, तो केएल राहुल को आप खिलाते ही खिलाते, क्योंकि केएल राहुल को तो आप बाहर तो करते नहीं, क्यों नहीं कर सकते बाहर भाई, T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट के हमें बहुत लंबे स्कोर बनाने वाले प्लेयर नहीं चाहिए, हमें ताबड़तोड़ वाले प्लेयर चाहिए, और जिस तरह से ऋषभ पंत खेलते हैं और बहुत अट्रैक्टिव खेलते हैं, आक्रामक खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह बनेगी प्लेइंग 11 में, मुझे उसको लेकर भी डाउट है केएल राहुल की, क्योंकि जगह बनती है नीचे कहीं। नीचे लव कुमार कह रहे हैं कि पंत और संजू में कौन है बेटर। देखिए T20 क्रिकेट में तो ये सवाल वाकई आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मुकम्मल प्लेयर देखेंगे आप टेस्ट वनडे T20 तो फिर कंपैरिजन नहीं है, उसमें ऋषभ पंत बहुत आगे हैं, लेकिन अगर T20 की बात आएगी तो उसमें मुझे लगता है बराबरी का मामला है, और शायद संजू सैमसन थोड़े से भारी पड़ते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन ऋषभ पंत भी अट्रैक्टिव खेलने की क्षमता रखते हैं।
पर लेकिन ईशान किशन को सर आपने अपनी जो प्लेइंग 11 है उसमें लिए रखा नहीं, आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को रखा जाएगा रोहित शर्मा के साथ, पर अब जो नीचे विकेट कीपर बैट्समैन का जो विकल्प आएगा पांचवे जिस नंबर पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं उस पर संजू सैमसन को रखेंगे या ईशान किशन को रखेंगे वहां पर? ईशान किशन को तो नहीं रखेंगे वहां पे जी, संजू सैमसन तो फिर भी मिडिल ऑर्डर में चौथे पांचवे नंबर पे खेलते रहे जी, तो वहां पर आप इनको खिला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि छठे सातवें नंबर पर आपके पास अच्छे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी तो उठता है ना कि जडेजा जो है उनको तो टीम में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस आधार पर आप जो उनकी जगह खेले थे स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र अक्षर पटेल जी, अक्षर पटेल को किस आधार पे आभार करोगे? बिल्कुल, उस प्लेयर ने रन भी बनाए जी, विकेटें भी ली हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराया है। अब या तो उनको आप कवर के तौर पर ही रखें कि आप भाई वो कवर ही है, चाहे वो सेंचुरी बनाए चाहे कितना भी रन बनाए वो कवर के तौर पर ही रहेंगे तो बात अलग है, नहीं तो वैसे एक तरह से ज्यादती है उनके साथ। बिल्कुल सर, एक सवाल आ रहा है केवत निषाद का कि पंत बेहतर है संजू से? मुकम्मल प्लेयर अगर आप तीनों फॉर्मेट की बात करेंगे तो वाकई आपकी बात सही है, अगर खाली T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो पंत की उस तरह का परफॉर्मेंस पंत का रहा नहीं है। अगर आप देखें बड़ी पारियां, एक हाफ सेंचुरी मुझे याद आती है उनकी, और तो मतलब कोई लंबी पारी नहीं खेल पाए वो, लेकिन संजू सैमसन में क्षमताएं हैं और वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अब बात सवाल ये भी है कि आप उनको खपाएंगे कहाँ, क्योंकि अब तो दीपक हुड्डा भी आ गए हैं आपके पास जो ऑलराउंडर का भी एक विकल्प मुहैया कराते हैं, और तो और आपके पास विराट कोहली अगर टीम में आ जाते हैं तो फिर इनकी जगह कहाँ बनेगी। पर लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी है कि दीपक हुड्डा या श्रेयस अय्यर में से कौन तीसरे नंबर पर करेगा बल्लेबाजी? दीपक हुड्डा और श्रेयस अय्यर में से, क्योंकि दोनों एक खेलेगा, दोनों नहीं खेलेंगे, टीम में एक ही खेलेगा, प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती दोनों।